सूजी रखनी है ठीक है, रहने दो आप तैयार हो जाओ, मैं चाय बना रही फिर आप चले जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी ब्लॉगर धनवी, और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग सब, उम्मीद करती कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद है ना व्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल मेरा व्लॉग अगर शूट करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर लेती हूँ, व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने है ना, हाँ मैंने है ना एक वीडियो शूट किया है, मतलब इसके पहले भी मैंने शूट किया था, तो वो मैंने है ना आप लोगों का शेयर किया है। वो मतलब ट्रेडिशनल हेयर ड्राइंग वाला है विथ टॉवेल, तो वो मैंने सेकंड पार्ट भी शूट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लेना, मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैंने ना बहुत ही मेहनत से यार वो वीडियो शूट किया है, क्योंकि मैं बाहर गई थी, मतलब बाहर मतलब आंगन में जाकर मैंने वीडियो शूट किया। और आपको पता ही है कि मेरे यहाँ पर कितने बंदर हैं, तो बंदर हैं, और मुझे ना बहुत डर भी लग रहा था कि मैं मतलब जैसे मेरा ध्यान नहीं रहेगा और बंदर जो है मेरे ऊपर आके कूद ना जाए। तो मैंने बहुत इससे मैंने वो शेयर किया है, मतलब शूट किया है। तो उस टाइम पता मैं हेयर सीरम लगाना ना भूल गई थी, लगाई नहीं था, मैं अभी लगा रही, क्योंकि बाल जो है ना अजीब अजीब से ऐसे हो जाते हैं, गुब्बारे जैसे ऐसे फूल जाते हैं मुझे, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो मैं पता है हेयर स्ट्रेटनिंग करने का सोचा था, पर मेरी बच्ची जो फिट करती है ना, तो उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, तो नहीं मतलब नहीं कर सकते। तो अभी देखती हूँ, जैसे 2-3 साल बाद हेयर स्ट्रेटनिंग कराऊंगी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन भी है मेरा, क्योंकि अभी इशू फिट करती तो नहीं करा सकती हूँ। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं, और आप लोगों का चैनल कैसा चल रहा है। मैंने चैनल के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि जो मोस्टली लोग हैं मेरा वीडियो वॉच करते हैं वो यूट्यूबर ही हैं, तो इसलिए मैंने पूछा है। नॉन यूट्यूबर जो है ना बहुत कम वीडियो वॉच करते हैं। और पता है हमारे यहाँ पर है लाइट भी चली गई यार, मतलब 10 नहीं 11 बजे से गई है, और अभी टाइम कितना 4:30 बजे है, पता नहीं शायद 5-5:30 बजे आने वाली है, लाइट भी गई है। इतनी गर्मी भी हो रही है ना बहुत, दीदी के पसीना आ रहा है, गर्मी भी हो रही है, और घर में बस अंधेरा अंधेरा लग रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं वीडियो शूट कर रही थी, थोड़ा मतलब जैसे लाइटिंग रहती है तो अलग ही दिखता है, और विदाउट लाइटिंग अलग ही दिखता है। तो मैंने सोचा यार कब से मैं लाइट का वेट कर रही थी, पर लाइट अब पता नहीं कब आती, क्योंकि ट्रांसफार्मर है ना वो शायद ना ख़राब हो गया है, तो इसलिए थोड़ी लाइट की दिक्कत आ रही है। कल भी, हाँ कल भी लाइट गई थी, ऐसे 2-3 दिन से लाइट जा रही है, और गर्मी में रहना पड़ रहा है। अभी हमारे यहाँ पर लाइट आ गई है, आप देख सकते हो, और दिन भर से लाइट नहीं थी, इतना परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत हो रही थी। वैसे यहाँ पर ना इतनी गर्मी होती नहीं है, पर फिर भी फ़ैन वगैरह चालू चाहिए ना थोड़ा सा, पर नहीं, और अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था पूरा घर में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी अभी मेरा फिर से हेडेक चालू हो गया है, तो बिना चश्मे के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर मैं इसी के कारण ना चश्मा पहन भी नहीं पाती, क्योंकि वो निकाल के फेंक देती है, तो मुझे और मतलब अंधेरे में अजीब सा लग रहा था, और सर भारी भारी सा लग रहा था। तो लाइट आ गई थी, तो फिर अभी ना टाइम 5-5:30 बजे इवनिंग का हो रहा है, तो मैं मतलब अभी तक है ना घर की जो क्लीनिंग जैसे हम इवनिंग में करते हैं ना हल्की फुल्की, तो वो नहीं की थी, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, अंधेरे में क्या समझ में आएगा। तो बस मैं लाइट आने का वेट कर रही थी, और लाइट आ गई है, तो अभी मैं यहाँ पर है ना जैसे क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा अरेंज कर रही हूँ यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि दिन भर हम तो सुबह हमारा जो मॉर्निंग में होता है हम उस टाइम कर देते हैं क्लीनिंग वगैरह, अरेंज करके रख देते हैं, पर दिन भर में पूरा वो मतलब ऐसे बिखर जाता है, फिर से हमें इवनिंग में करने की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ईशू भी आ गई है यहाँ पर, और ईशू ने झाड़ू उठाया था। ईशू भी, उसे झाड़ू बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। जब भी मैं झाड़ू लाती हूँ ना, तो वो ने ले लेती है झाड़ू लगाने के लिए। तो ऐसे बीच बीच में होते हैं, सबके ही बच्चे होते होंगे ऐसे बीच बीच में, तो वो झाड़ू ले लेती हैं। और यहाँ पर मुझे वो है ना अच्छे से करने नहीं दे रही है, वही बीच में आ रही है। पर अभी उसके साथ ही काम करना पड़ेगा, फिर उसको है ना थोड़ी देर से मैं बाहर ऐसे घूमने के लिए भेज दूँगी, जैसे आंगन में खेलती रहती है बाहर, क्योंकि घर के अंदर भी उसको बोर सा लगता है। और आप देख सकती है, देखिए यहाँ पर ईशू है ना ट्राइपॉड के पास आ गई है मोबाइल लेने के लिए। तो देखिए वो मोबाइल यहाँ आकर खड़ी हो गई है, उसे मोबाइल चाहिए। वो तो कभी कभी पता है मैं शूट करने के लिए लगाती हूँ ना ट्राईपोड पर, तो पूरा ट्राईपोड ना उठा लेती हूँ ऊपर और शूट ही नहीं करने देती, तो उसके कारण भी कभी कभी है ना मैं वीडियोग्राफी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो आ जाती है। तो यहाँ पर है ना वो देखना आप, मोबाइल ट्राईपोड ना यहाँ से उठा के लेकर चली जाएगी। तो अभी है ना उसने ट्राइपॉड उठा लिया था, तो मैंने ने फिर से उसे लगा दिया और ईशू को ला लिया था। फिर से देखिए, आप देख सकते हो ईशू आ गई है। और अभी मेरा डिनर बन गया है, मतलब डिनर में आज मैंने बनाया है पूड़ी दाल रोटी पूड़ी दाल चावल और आलू और सोयाबड़ी की सब्ज़ी। आलू और सोयाबड़ी की सब्ज़ी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है यहाँ पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मेरा खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने बना लिया। तो अभी देखिए मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है, देख सकती है देखिए पसीना बहुत आ रहा है। और अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए, नहाती हूँ और फिर मुझे ना पूजा करनी है, आज बुद्ध पूर्णिमा है ना, तो आज मुझे पूजा करनी है। और बस आज, और पता है मेरी एक फ्रेंड है उनकी है ना मैरिज एनिवर्सरी है, तो मुझे विश भी करना है, तो मैं सोची कि पहले है ना नहा लेती हूँ। और आज हमने गुलाब जामुन भी बनाए हैं, वो गुलाब जामुन इसलिए बनाए हैं कि प्रसाद के रूप में ब्लॉक में हम लोग मतलब प्रसाद के रूप में सबको देंगे बांटेंगे, तो इसलिए बनाए हैं। तो चलिए गए जल्दी से है ना, मैं नहा लेती हूँ फिर वहाँ से आज फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंड मैं अभी नहाकर आ गई हूँ, और ये तो मेरा समझ जाइए अब रेगुलर का ही है डिनर। जब भी बनाती हूँ ना, मतलब जैसे रेगुलर बनाती हूँ, तो उसके बाद नहाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहाती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी डिनर बनाओ ना यार, इतना पसीना सा आ जाता है ना, बहुत पसीना आ जाता है, किचन में इतनी गर्मी होती है, चिपचिपा सा लगता है, और फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर नहाओ ना उसका फ्रेश लगता है, तो इसलिए मैं गर्मियों के दिनों में तो नहाती हूँ ज़रूर डिनर बनाने के बाद। और यहाँ पर मैं आपको बताया था ना गुलाब जामुन बनाए हैं, तो गुलाब जामुन बनाए हैं ना, तो मैं यहाँ पर जो मतलब जैसे जितने ब्लॉक में जितने भी लोग रहते हैं, तो उनके घर में पहुँचा दूँगी। तो मैं सबको सबके लिए यहाँ पर निकाल के रख रही हूँ कितने कितने देना है। तो मैंने ना यहाँ पर कम कम दिए थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि और भी देना था, फिर मैंने कहा यार कि जितने आए उसमें मैंने दे दिए। वैसे तो गुलाब जामुन मैं खाती नहीं हूँ, मैंने बनाए ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं, खाती हूँ, पर जब मेरा मन करेगा ना तभी मैं खाऊंगी, क्योंकि जो भी काम होता है मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा मन नहीं करेगा ना तो मैं नहीं खाऊंगी, और वैसे भी ज़्यादा मीठी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, पर गुलाब जामुन खा लेती हूँ, पर अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाने का, तो मैं नहीं खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते मीठी चीज़ें, मैं भी नहीं खाती हूँ, तो जो मेरी सासू माँ है वही खाएगी अकेली। तो हमने मतलब वो बोल रहे थे मेरे हस्बैंड के अकेले कितना खाएगी वो, इसलिए है ना सबको और दे देना था। तो मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने है ना इतना इतना दे दिया, ठीक है अब दे दिया प्रसाद है, अब प्रसाद कितना भी दे दो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर है ना सबके लिए मैं मतलब जैसे लगा रही हूँ कि आप और मेरी जो सासू माँ है ना, उनको बोल रही हूँ कि आप ले जाके दे दो, सबके घर में इश्यूज हो ही है, तो उनको भेज रही हूँ। वैसे भी कुछ देना लेना रहता नहीं, उनको ही भेजती हूँ, वो रहती है तो, अगर वो नहीं रहती तो मैं खुद चली जाती हूँ देने के लिए कुछ भी देना हो तो। और हमारे ब्लॉक में ये बहुत अच्छा है, अगर किसी घर में कुछ स्पेशल चीज़ बनेगी ना, वो ज़रूर सबके घर में देते। जैसे हमारे ब्लॉक में चार पाँच घर है, जैसे मतलब क्वार्टर है, तो सबके घर में देते हैं, तो हमने भी आज दे मतलब दिया। और ऐसा होता है नहीं, हम सोचते हैं देना है देना है देना है देना है, पर नहीं हो पाता है कभी कभी, तो मतलब टाइम मिलता है, चांस आता है हमारे यहाँ पर कि हम दे सकते हैं, तो फिर
दे मतलब सबको बांट दिया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।